आई एम नरेंद्र कुमार शर्मा, आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू मस्ट फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी रेम। बाबा ब्लैक सीप हैव यू एनी वूल। मैनी हैड ए लिटिल लैम्स हूज फ्लैश वॉज वाइट एज स्नो। अर्थात ये वूल के बारे में एक पोयम दी गई है। इस आधार पर क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट्स में, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक सीप हैव द वूल, यानी कि पेड़ के किस बॉडी पार्ट से ऊन प्राप्त होती है। तो एब्डोमन जिसे स्टमक कहते हैं, पेट, और दूसरा बैक साइड से, यानी कि एब्डोमन से और बैक साइड ऑफ द सीप, पीठ कहते हैं जिससे, उससे प्राप्त होती है। बी पार्ट देखें, व्हाट इज मेंट बाय वाइट फ्लैश ऑफ द लैम। वाइट फ्लैश ऑफ द लैम, वाइट तो आप जानते हैं श्वेत रंग, फ्लैश कहते हैं हेयर, अर्थात वाइट हेयर इज कॉल्ड वाइट फ्लैश ऑफ द लैम। इसके बाद ये ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन, द सिल्क वॉर्म इज ए, पहले पार्ट में कैटरपिलर, दूसरे में लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमने आपको समझाया था जब चैप्टर समझाते समय कि सिल्क वॉर्म जो है एक कैटरपिलर है, तो इसमें केवल ए ठीक है, तो ये फर्स्ट इसका ए ठीक है, इस पर करेक्ट का निशान लगा दिया। फिर थर्ड पर आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, किससे हमें ऊन प्राप्त नहीं होती है। देखिए याक से भी प्राप्त होती है, कैमल से भी, गोट से भी, वुली डॉग से प्राप्त नहीं होती, तो ये फोर्थ इसका करेक्ट है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म, यानी फॉलोइंग टर्म से आप क्या समझते हैं। पहला है बच्चों रेयरिंग। रेयरिंग क्या है, कीपिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द यूथफुल एनिमल, कीपिंग एंड मेंटेनिंग द फूड और फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड रेयरिंग। अर्थात रेयरिंग जो है किसी भी एनिमल्स का पालन पोषण करना है जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, समझे नहीं, दैट इज कॉल्ड रेयरिंग। तो रेयरिंग हम जैसे बच्चों एक तरह से पोल्ट्री प्रोडक्शन में करते हैं, है मुर्गी पालन कहते हैं जिसको, है आदि। अब शेयरिंग, शेयरिंग जो है बच्चों ये बुक में भी दे रखा है, शेयरिंग, शेयरिंग यहाँ देखिए पेज 26 पर देखिए जरा, इसमें स्टेप नंबर 1 में, द फ्लैश ऑफ द सीप along with a thin layer of the skin is removed from the body. This process is called shearing. बच्चों ये shearing की definition हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक था हमारा वो है सेरिकल्चर। दूसरी डेफिनेशन क्या है इसमें, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर पेज 28 पर है, जहाँ सिल्क लिखा हुआ रेड से, वहाँ से यहाँ से देखें दूसरी लाइन से के लास्ट से, द रेयरिंग of the silk worm for obtaining silk is called sericulture. तो बच्चों ये सेरिकल्चर की डेफिनेशन हो गई। तो आप समझ रहे होंगे इसको, रेयरिंग में, रेयरिंग क्या है, कीपिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द यूजफुल एनिमल इज कॉल्ड रेयरिंग। शेयरिंग में क्या करते हैं, एक तरह से हम जो एक तरह से रिमूव ऑफ द हेयर फ्रॉम द शीप। और थर्ड पॉइंट में सेरिकल्चर क्या है, अर्थात रेशम का पालन पोषण करना, रेशम कीट का पालन पोषण करना क्या कर कहते हैं, सेरिकल्चर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, ये बच्चों फिलअप टाइप का है, कह रहा है कि कुछ फिलअप इसमें जो है एक तरह से छोड़ दिए गए हैं। गिवन बिलो इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन प्रोसेसिंग ऑफ वूल। वूल प्रोसेस में एक सीक्वेंस है, विच आर मिसिंग स्टेप, जो मिसिंग स्टेप हैं उन्हें हमें लिखना है, एड देम। शेयरिंग के बाद बच्चों स्कोरिंग किया जाता है, मैंने आपको समझाया भी था। स्कोरिंग में सफाई की जाती है, धुलाई की जाती है,
इसके बाद सॉर्टिंग छटाई के बाद रीलिंग की जाती है, हैं रीलिंग करते हैं, फिर इसके बाद डाइंग रंगाई करते हैं, फिर उससे स्पिनिंग करते हैं, बुनाई करते हैं, SPUNING स्पिनिंग करते हैं। अब ये तो ये रहा नंबर 6, मेक स्केच ऑफ 2 स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क। बच्चों वैसे तो सारी स्टेज यूजफुल होती हैं, लेकिन जो सीधे ज़रूरी होती हैं सिल्क और से सिल्क प्राप्त करने के लिए, वो है पहले भी समझाते समय बताया था आपको, ये पेज 28 पर देखें बच्चों। इसमें जो फिगर बनाया हुआ है 3.9, इसमें आपका ये सिल्क और ये वाली स्टेज इम्पोर्टेंट है। दूसरी क्या है, कोकुन, ई वाली यानी सिल्क और कोकुन, ये वाली यानी डी और ई जो स्टेज पर जो डायग्राम में रखे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 स्टेज के लिए ज़रूरी है, सिल्क और कोकुन। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन से कौन कौन से टर्म रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। देखो सेरीकल्चर, एक तरह से रेशम कीट का पालन किया जाता है इसलिए ये भी ज़रूरी है। फिर इसके बाद में मौरी कल्चर में सहतूत की खेती की जाती है, इसलिए मौरी कल्चर भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फूड, इसकी जो लीफ होती है वो एक तरह से सिल्क वॉर्म का फूड होती है बच्चों, इसलिए सेरीकल्चर और दूसरा मौरी कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन है 8, मैच द वर्ड ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड। अच्छा, कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है। स्कोरिंग जिसे सफाई कहते हैं बच्चों, वो क्या है, क्लीनिंग शेयरिंग स्किन, जो शेयर्ड स्किन है उसकी सफाई करना। दूसरा है मलबेरी लीव्स, ये जो है किसका भोजन होता है, सिल्क वॉर्म का, तो ये रहा फूड ऑफ द सिल्क वॉर्म। याक वुल्ड एनिमल है बच्चों, से हमें वूल प्राप्त होती है, तो ये इसमें जो है आपका वूल यील्डिंग एनिमल बी से है इसका। कोकुन जो है वो बच्चों, कोकुन जो है यील्ड ऑफ द सिल्क फाइबर, कोकुन से हमें सिल्क की का प्रोडक्शन प्राप्त होता है, तो यील्ड सिल्क फाइबर से हो गया। तो बच्चों इसका पहले का किससे हुआ, लास्ट वाले से, और दूसरे का किससे हुआ, आपका बी से है, सॉरी सॉरी बी से नहीं, मलबेरी लीव्स का किससे हुआ, सी से, फूड ऑफ द सिल्क वॉर्म। याक का किससे हुआ, याक का वूल यील्ड एनिमल यानी बी से, और कोकुन का किससे हुआ, पहले से, यील्ड सिल्क फाइबर्स। तो इस तरह से बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करना है, हैं। इसके बाद बच्चों कुछ पॉइंट आप जरा यहाँ देख लेंगे, देखिए पेज 27 पर स्कोरिंग की डेफिनेशन, द शेयर्ड स्किन विद द हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन द टैंक टू रिमूव द ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, ये वाली डेफिनेशन। फिर इसके बाद में बच्चों ये आप निशान लगा लेंगे केवल, फिर इसके बाद में बच्चों पेज नंबर 31 पर, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकुन फॉर यूज एज ए सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, ठीक है, ये रीलिंग द सिल्क की डिफाइन हो गई बच्चों। तो वैसे तो पूरा चैप्टर ये आप पढ़ोगे, लेकिन निशान लगाना, कई बार इनको टीचर पेपरों में दे देते हैं बच्चों, और एक तरह से बच्चों आपको अलग से दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं करने, समझ केवल मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझाए हैं, हैं, और जो आपने पहले कर रखे हैं उनको एज इट इज कर देते हैं। और दूसरा बच्चों जो डायग्राम की बात है, तो डायग्राम जो है आप बच्चों इसमें ये वाला बनाना है 3.9, जिसमें 3.9 जो पेज 28 पर है, ये पूरा डायग्राम 1 2 3 4 5 6 6 है इसमें,
आपको 6 के 6 आपको बनाने हैं बच्चों, ठीक है। ये वाले डायग्राम आप विदाउट लाइन वाले पेज पर बना लेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू। कंप्लीट करते रहें, याद करते रहें कोर्स।